नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में दो और कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स के बारे में। आज हालांकि मार्केट की छुट्टी थी, लेकिन नंबर्स जो है कंपनी ने डिक्लेयर की हैं Q1 के, तेजस नेटवर्क्स, इंडोरामा सिंथेटिक। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल से जुड़े हुए और भी वीडियोज़ अगर लेटेस्ट देखना चाहते हैं तो PT360 नाम से यूट्यूब पर आप सर्च कर पाएंगे। तो देखिए, बात करें तेजस नेटवर्क्स के Q1 के नंबर्स के बारे में। जुलाई 21 2021 आउटकम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग। तो देखिए, Q1 की शीट कंसोलिडेटेड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपेयर करें मार्च जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मार्च 21 से जून 21 को कंपेयर करेंगे, सारा अमाउंट करोड़ों में शो किया हुआ है। कंपनी की आय गिरते हुए देखने को मिलेगी, 205 करोड़ की तुलना में 152 करोड़ की देखने को मिल रही है। अप्रैल मई जून में लॉकडाउन लगा था, उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। एक्सपेंसेस टैक्सेस सारे छोड़ के पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिलेगा। करीब 33 करोड़ 55 लाख की तुलना में 7 करोड़ 55 लाख आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन मुनाफे में कंपनी के हुआ है एक क्वार्टर के बेसिस पे। कंपेयर करें पिछले साल से, यानी जून 2020 से जून 2021 के एक साल के आधार पे कंपैरिजन करेंगे, 84 करोड़ की तुलना में 152 करोड़ का कंपनी ने इनकम किए, जो कि बढ़त आप साल दर साल आधार पे देख रहे हैं। लेकिन कंपेयर करें इसको पिछले साल के मुनाफे या घाटे से, देखिए घाटा किया था कंपनी ने पिछले साल 9 करोड़ 76 लाख का, जो कि आपको 7 करोड़ 56 लाख का मुनाफा इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी साल दर साल आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आते हुए देखने को मिल रही है। तो देखिए, चार्ट की बात करें, कल के सेशन की आज छुट्टी थी तो फ्लैट सा कारोबार देखने को मिला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। 5 दिन की बात करूंगा तो स्टॉक फ्लैट ही चला है, 0.27% के गेंस, 1 महीने में 6.5% चला है, 6 महीने में 30% से ज़्यादा चला है, ईयर टू डेट पे 33%, और लेकिन एक साल की अवधि में स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी है, जो कि 229% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। तो देखिए, डेली चार्ट की बात करें तो फरवरी में स्टॉक ने एक हाई लगाया था, जो मैं आपको बताऊं करीब करीब, उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 220 के आसपास का यह हाई था फरवरी के महीने का, उसके बाद लगातार स्टॉक गिरा है और 160 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता है, और उसके बाद फिलहाल एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, रेंज में फंसा हुआ ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। देखिए, सपोर्ट की अगर बात करें नीचे के स्तरों में, स्टॉक में करीब करीब 175 से लेकर 170 के आसपास एक सपोर्ट है, यानी यहाँ से 12 रुपये नीचे स्टॉक के पास एक सपोर्ट है, और ऊपर के स्तरों पे एक हर्डल की बात करें तो स्टॉक आपको अगर ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो 200 रुपये पे मेजर एक रेजिस्टेंस है इसको स्टॉक के पास, जो कि लास्ट वीक में और साथ ही जो है अप्रैल के महीने में स्टॉक ने ट्राई किया था, मार्च के महीने में भी 2 बार ट्राई किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। एक मेजर हर्डल 200 रुपये की जब निकालेगा तब जाके इसमें अच्छी तेज़ी बनेगी, और फिर 225 के लेवल अगेन आपको आते हुए देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जिन लोगों ने ले रखा है होल्ड कर सकते हैं इसमें। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, इंडोरामा सिंथेटिक, जुलाई 21 2021 आउटकम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग। देखिए, Q1 की शीट आप देख रहे हैं इंडोरामा की, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, सारा अमाउंट इन्होंने करोड़ों में शो किया हुआ है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनकम को, जो कि मार्च 21 से जून 21 का कंपैरिजन करें तो इनकम आपको गिरती हुई देखने को मिल रही है, 835 करोड़ की तुलना में 695 करोड़ की कंपनी की इनकम आई है, जो कि गिरावट दिखा रही है। एक्सपेंसेस टैक्सेस सारे एक बार हटाने के बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, यानी पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 128 करोड़ के प्रॉफिट की तुलना में सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है इस क्वार्टर में। कंपनी के अप्रैल मई और जून में लॉकडाउन के चलते सभी कंपनीज़ की जो है इनकम और मुनाफा सभी बाधित हुआ है। कंपेयर करें पिछले साल से तो जून 20 से लेकर जून 21 के एक साल की अवधि में कंपेयर करें तो 120 करोड़ की तुलना में 695 करोड़, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुनाफा कंपनी ने जो है टोटल इनकम में उछाल देखने को मिल रहा है। अब बात करें मुनाफे की तो 77 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया था पिछले साल जून के क्वार्टर में, वो आपको 14 करोड़ का पॉजिटिवली मुनाफा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर ज़रूर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, बात करें इसके इंट्राडे के, कल के चार्ट की, इंडोरामा सिंथेटिक, आज मार्केट की छुट्टी थी, कल की डेट में स्टॉक 5% करीब करीब गिरते हुए देखने को मिला है। काफ़ी सस्ता स्टॉक है, 57 रुपये मात्र ट्रेड कर रहा है, 5 दिन में फ्लैट कारोबार दिखेगा, 1 महीने में 13% चला है, 6 महीने में 52, ईयर टू डेट पे 30, और एक साल की अवधि में देखेंगे तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा चलते हुए एक्चुअली देखने को मिला है। 20 रुपये के नीचे ट्रेड करता था एक साल पहले, आज करीब करीब 55 रुपये से ऊपर 60 रुपये के आसपास, यानी करीब करीब 261% के रिटर्न एक साल में दिए हैं। देखिए, बात करें अगर डेली चार्ट की
तो आप देख सकते हैं स्टॉक के पास एक सपोर्ट के प्राइस के पास ही स्टॉक खड़े हुए देखने को मिल रहा है। करीब करीब 57 रुपये पर स्टॉक एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो करीब करीब 53, और अगर उसको ब्रेक करेगा तो 50 रुपये के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट स्टॉक का है। यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय ट्रेड किया है, 50 रुपये पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट स्टॉक का है। ऊपरी स्तरों की बात करें तो स्टॉक ने जो कल की डेट में हाई लगाया था करीब करीब 62 रुपये का, नेक्स्ट टारगेट 62 का यहाँ एक्सपेक्ट करिए। 62 का टारगेट निकलेगा तो साथ ही साथ अगला टारगेट ये एक हर्डल बनेगा स्टॉक का, जो कि ज़्यादा ऊपर नहीं है, 63 रुपये है ये टारगेट इसका। 62 से 63 रुपये की इस रेंज को स्टॉक जब ब्रेक करेगा तब जाके यहाँ एक ब्रेकआउट की आप उम्मीद कर सकते हैं। मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो एक सेकेंड मंथली ओपन करके देखते हैं इसका चार्ट। तो देखिए मंथली चार्ट पे स्टॉक ने जो है काफ़ी रेजिस्टेंस जो स्टॉक ने फेस की थी 2018 में 2015 में, इनको ऑलरेडी जो है ब्रेक करके उनके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अगर अच्छी तेज़ी बनती है तो मंथली चार्ट पे नेक्स्ट हर्डल करीब 67 रुपये पर आएगी। उसके बाद स्टॉक आपको 70 से 80 रुपये की रेंज में एंटर होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इसका 2011 का हाई है। चलिए बात कर लिए इस वीडियो में दो कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स के बारे में, चार्ट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।